नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव होगा, शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण कैसा बीतने वाला है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों का अच्छा समय कब से प्रारंभ होगा, 2023 से 2027 का समय कैसा रहने वाला है, इस बीच कौन सी घटनाएं घटने वाली है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा और क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। हमारे जीवन पर चार ग्रहों का प्रभाव विशेष रूप से होता है, क्योंकि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय तक बना होता है। राहु डेढ़ वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और केतु भी डेढ़ वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, डेढ़ वर्ष तक प्रभाव बना करके रखते हैं। शनि ढाई वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और गुरु एक वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो हमारे जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलते हैं। शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हुआ है। 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि प्रिय राशि है, स्वयं की राशि है और सस नामक राजयोग भी बन रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो शनि आपके लगन भाव में गोचर करेंगे, लगन भाव में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का पैरों में दर्द हो सकता है, मानसिक टेंशन हो सकता है। यहां पर शनि गोचर करते हैं तो थोड़ा सा विलंब भी करवाने का काम करते हैं, कोई भी काम को डिले करवाने का काम करते हैं, लेकिन ये स्वराशि के हैं, स्वयं के घर में बैठे हैं, इस कारण यहाँ पर ज्यादा समस्याएं पैदा नहीं करेंगे। सस नामक राजयोग भी बन रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या जो चल रही थी उनको दूर करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, नौकरी व्यापार व्यवसाय सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। अब 17 जनवरी 2023 से आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 12वें भाव के भी मालिक है, व्यय भाव के भी मालिक है, खर्चे के भाव के मालिक है, तो ये लाभ के साथ साथ खर्चे भी करवाएंगे, मतलब आपको खूब मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, तब सफलता देने का काम यहाँ पर शनि करते हैं। तो जो आपकी शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है ये थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा, मेहनत तो खूब करवाएंगे उसके बाद सफलता देने का काम करेंगे, पैसा तो आप कमाओगे लेकिन उस पैसे को व्यय करेंगे, नुकसान करेंगे, खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ यदि आप शनि के कुछ उपाय करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो यहाँ पर ज्यादा नकारात्मक फल देखने को नहीं मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती में ज्यादा बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलते। शनि लगन भाव में बैठ करके राजनीति में सफलता दिलाने का काम, कोई उच्च पद देने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन मेहनत जरूर करवाते हैं। 2025 तक शनि आपकी राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद जो है 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और ये धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव में जब ये गोचर करेंगे तो शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च 2025, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है। लगन में बैठा हुआ है अभी 2025 तक, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करवाने का काम करेंगे। जब ये 2025 में 29 मार्च के बाद धन भाव में आएंगे तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे और शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण लाभदायक होता है तो लाभ देने का काम करेंगे। तो 2025 के बाद स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी।
और अभी भी कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो कोई उतनी खराब स्थिति नहीं है, लेकिन शनि अभी मार्च तक जो है ये अस्त रहेंगे, इस कारण से विशेष फल देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 5 मार्च के बाद शनि जैसे धीरे धीरे उदय होंगे, शनि एक मंद ग्रह है तो धीरे धीरे फल देने का काम करेगा। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून में ये पूर्ण रूप से बलि हो जाएंगे तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, फिर आपको हर क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी। जबरदस्त समय आपका रहने वाला है, तो 2025 तक जो है आपको सफलता मिलेगी, उसके बाद और अच्छा समय रहेगा। तो शनि आपको दोनों ही स्थिति में लाभ देने का काम करेंगे। बात करें गुरु के बारे में तो गुरु आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और लगभग ये धन भाव में 1 वर्ष से गोचर कर रहे हैं। यहां पर गुरु अच्छा माना जाता है, स्वराशि के हैं और धन भाव के कारक होते हैं, धन देने का काम कर रहे हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी थी तो आपने बहुत सारा धन भी कमाया होगा, और यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो आपने धन नहीं कमाया होगा, ये भी स्थिति बन सकती है। लेकिन सामान्य फलादेश के अनुसार से यदि देखें तो ऐसा नहीं है कि आपको धन ना मिला हो, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। और ये यहाँ पर धन भाव में मीन राशि में रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक, उसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देते हैं लेकिन संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। 3 मई तक ये सूर्य से अस्त रहेंगे गुरु, तो 3 मई तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ फल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 मई के बाद विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम, यात्राओं में धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा और बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो गुरु यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद और 3 मई 2023 के बाद जबरदस्त लाभ देंगे। तो कब तक देंगे? 2024 तक, उसके बाद ये चौथे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, मिले जुले परिणाम देंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपका नौकरी व्यापार इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, विदेश के योग बनाने का भी काम करेंगे यहाँ पर, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। 1 मई 2024 से ये आपके वृषभ राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को ये मेष राशि में आएंगे, तो यहाँ मेष राशि में गोचर करेंगे और 24 में ये आ जाएंगे आपके वृषभ राशि में चौथे भाव में, तो यहाँ भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और 25 में ये आ जाएंगे, 14 मई 2025 को मिथुन राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जितने अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं दे रहे थे, यहाँ पर नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में 2025 में गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। गोल्डन टाइम आपका 2025 से प्रारंभ होगा, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ होगा, जो धन देने का काम करेंगे, जो आपने खोया है, नुकसान किया है, वो जो है देने का काम करेंगे, और गुरु भी आपके पंचम भाव में आएंगे, तो गोल्डन टाइम आपका 2025 का रहेगा, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 2026 में छठे भाव में फिर संघर्ष करवाएंगे और 2027 में फिर आपको जबरदस्त लाभ देने का काम गुरु करेंगे। तो 2025 और 2027 ये 2 वर्ष जो आपके रहेंगे ये गोल्डन टाइम रहेगा और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 2023-24 इनमें भी फल देंगे, लेकिन उतने अच्छे फल नहीं जितने अच्छे आपको 2025 में मिलेंगे, 2027 में मिलेंगे। गुरु के बाद राहु की बात करें तो राहु अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव में 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे और ये सदैव अच्छे फल देने का काम करेंगे। यहाँ पर यात्राओं में भी लाभ देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर करते हैं। इसके बाद ये धन भाव में आ जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को, तो धन देने का काम भी करेंगे लेकिन खर्चे भी वैसे ही कराएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं शत्रु पैदा कर देते हैं, कटु वाणी का आप प्रयोग करेंगे। तो ये राहु आपके जो है 2025 तक रहने वाले हैं आपके धन भाव में, और 2025 में 18 मई को ये आ जाएंगे आपके राशि में, तो यहाँ पर भी मिले जुले फल देने का काम करेंगे। तो राहु की यदि स्थिति की बात करें तो ये समझ जाइए कि 30 अक्टूबर 2023 तक आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे,
इसके बाद 25 में भी आपको धन लाभ देने का काम करेंगे और 27 में भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु सदैव देखा जाए तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। केतु भाग्य भाव में बैठ करके भाग में वृद्धि करेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद छठे भाव में आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ाएंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे 2027 में, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो गोल्डन टाइम 2025-2027 का रहेगा, जो कि आप जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। 2023 भी आपके लिए बहुत अच्छा है, 24 के भी देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है, मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। शनि का उपाय आप कर सकते हो, दशरथ कृत शनि स्त्रोत्र का पाठ नियमित रूप से शाम के समय आप करें, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।